नमस्कार दोस्तों, इसराइल ने इराक के सीरिया में ईरान समर्थित 8 आतंकवादियों को अपने F-35 फाइटर प्लेन से उड़ा दिया दोस्तों ऐसा उसने अमेरिका के कहने पर किया है दोस्तों ऐसा लग रहा था अमेरिका को कि ईरान आगे की कार्रवाई करते वक्त बदले की कार्रवाई करते हुए शायद इसराइल पर अटैक कर दे। ऐसी सूचना अमेरिका ने इसराइल को दी। इसराइल ने प्रिकॉशन लेते हुए सीधे सीरिया में अटैक कर दिया, जो ईरान के समर्थित आतंकवादी वहां पर लड़ रहे दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि ईरान बदले की कार्रवाई करते हुए शायद अपने आस पड़ोस के मुल्कों को निशाना बना सकता है, उसमें से एक इसराइल भी है। ऐसा अमेरिका का बोलना है कि हो सकता है कि ईरान बदले की कार्रवाई करते वक्त अमेरिका के 4 से 5 दूतावास को टारगेट कर सकता है। ऐसा उन्होंने एक अपने ट्वीट में बोला है कि ईरान हो सकता है अमेरिकी एम्बेसी को टारगेट करे। ऐसी सूचना इसराइल को भी दी गई थी, इसलिए इसराइल ने प्रिकॉशन लेते हुए ईरान के हमला करने से पहले ही उसने ईरान के समर्थित आतंकवादियों पर सीरिया में हमला कर दिया दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।